हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के नए दिन की शुरुआत मैं अपने ज्वाला उल्का मैया मंदिर से कर रहा हूँ। जी हाँ, अपने गांव से आप सभी का स्वागत है इस उत्तराखंड के सुहाने से मौसम, स्वर्ग की सीढ़ी तीसरे नंबर पर। जी हाँ, कल तक मैं अल्मोड़ा में था, उससे पहले मैं हल्द्वानी था, और उससे पहले मैं शिमला घूमा। आपको पता है, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे। लेकिन आज मैं स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी में आ चुका हूँ। मौसम के लिहाज से जो स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी है वो यही है भैया, जन्नत है इधर। विदाउट एसी, विदाउट फैन वी आर लिविंग हियर, एंड नो पॉल्यूशन इज हियर, एंड नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज हियर। हियर इज ओनली फॉर वी आर टेकिंग एन्जॉय एंड विथ माई स्मॉल डॉटर हर्षिता पपोला। क्यों हर्षिता, यू आर गुड? आप अच्छे हो? बढ़िया है। थोड़ा सा शर्मारी शर्मिला स्वभाव है इसका। चलो, ये तो आप अपनी नॉर्मल बातें। लेकिन भैया सच में मौसम बहुत प्यारा है। मेरा गांव सामने नीचे को देख रहा है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा मेरा गांव दिखाए। बहुत मस्त सा गांव, वो पार देवभूमि रंगीली नागपुरी, और ये सुंदर से पेड़, बांस के पेड़, बहुत प्यारे बांस के पेड़, और इन पेड़ों के बीच में मैं बैठा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों यही है, शुरुआत करते हैं आज की नए दिन की। ताउल ये, और आगे आके मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको। आइए साहब, तो बेसिकली यहाँ पर चप्पल उतारने पड़ते हैं, और मेनली ये वो होता है, और ये हमेशा शुरुआत करता हूँ, ये ज्वाला उल्का मैया का चबूतरा है। जब भी हमारे कुमाऊँ में क्या होता है, जब भी भगवान अवतरित होते हैं, ढोल नगाड़ा या हुड़का या जो भी बजता है, घंघाली जागल, तो ऐसे यहाँ पर ढोल बजते हैं बड़े बड़े। उन ढोलों में यहाँ पर जब देवी देव आरती के टाइम पे देवी, ये देवी मैया की एक शक्ति अवतार होती है किसी न किसी के ऊपर में, और वो जो है अपने प्रवचन लोगों तक दे जाती है। उसको लोग एक माध्यम समझते हैं कि मतलब कि ईश्वर हमारे से दर्शन हो गए, इस टाइप का ही है। बाकी ये घंटियाँ मंदिर की, और इस ज्वाला उल्का मंदिर की धुनी है, और नीचे ये अपना नीचे भोजनालय है, रसोई घर आप कह सकते हैं, पहाड़ों में इस तरह का रसोई घर होता है। और ये घंटियाँ चढ़ाने की जो प्रथा होती है यहाँ पर, ये देखते हैं, ये होता है बेसिकली। और ये है दोस्तों, तो ये मेन मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसको अभी आने वाले समय में कुछ और अच्छा करेंगे। तो बोलो, ज्वाला उल्का मैया की जय, ज्वाला उल्का मैया की जय, बोलो बेटा जय। तो ये है दोस्तों, तो बाकी आगे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो भैया ये इस मंदिर का एंट्रेंस है, आप सभी ने देखा होगा, ज्वाला उल्का मैया का बहुत प्यारा सा गेट। और ये तावल लेकर आना आया, क्लोज आओ, कैमरामैन से कहूँगा क्लोज आओ, क्योंकि आवाज़ अच्छी आती है। ये नीचे काफल पड़े हैं, देखो ये मंदिर में ना हम लोग पहले बहुत खाया करते थे काफल। देखो ये दिख रहा है ना काफल, ये काफल मैं अभी भी खा रहा हूँ, तुम भी, बहुत टेस्टी। ये भैया काफल का पेड़ सामने, ऊपर में काफल भी लगे होंगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, काफल भी दिखाता हूँ। ये काफल का वृक्ष है, इस पेड़ पर बहुत सारे लोग चढ़े होंगे, ये वाली टहनी, और इस टहनी से ऊपर जाते थे हम लोग, यहाँ से इधर जाते थे ना, ये वाला, ये भैया वो मंदिर का पेड़। तो ये है टहनी, और ये जड़, और ये है, ये हमारी हंसू, हंसू देखा, स्माइल स्माइल बेबी की। और ये है भैया हमारे कैमरामैन आज के, स्मॉल बेबी बॉय भास्कर सिंह। देखो ये खुरफान दिखना रही तगड़ी, बहुत बढ़िया, प्यारा प्यारा। और ऊपर में ज्वाला उल्का मंदिर है, ये है मंदिर, इस टाइप का दिख रहा है। तो ज्वाला उल्का मैया की जय। ये नेचुरल एसी की बात करी थी ना मैंने, देखो ये पेड़, ऊपर से पेड़ है, और ये नीचे चलने वाला रास्ता है, ठंडा ठंडा ऐसा रास्ता होता है पहाड़ों में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ना, जन्नत और स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी और एसी, ऊपर धूप खिली हुई है, ये पेड़ों की छायादार वृक्ष के अंदर से हम गुजर रहे हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। तो यही मैं कह रहा था आपसे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार पहाड़ों में पहाड़ी पहाड़ होता है और पहाड़ी में चढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहाड़ों में ऐसा रास्ता भी होता है, प्लेन। ये देखिए प्लेन, प्लेन हम आराम से चढ़ सकते हैं। चलते चलते ये चीज़ भी मिली मुझे, ये रेणु, जिसको पुराने टाइम में क्या होता था, जब हम घर बनाते थे ना, उस घर के जो लकड़ियाँ काट के उसकी पाल, पाल जो बनती थी, उस पाल में इसको इस्तेमाल किया जाता था, ये रेणु। बहुत प्यारा है ये, बहुत ही मजबूत, वो घर अभी भी बहुत एसी कूल ठंडे होते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पहाड़ों में क्या होता है, जो हम शहरों में होते हैं वहाँ बाउंड्री बनाते हैं, फेंसिंग बनाते हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, ये जो ये हाथ बोलते हैं, इसको हाथ लगा रखिए, मतलब है ना, ये एक बाउंड्री बनी हुई है कि भाई इसके अंदर का घर किसी और का है, ज़मीन किसी और की है, ये रास्ता है, इधर से जानवर आ जा सकते हैं, और ये पार किसी का है, तो ये बाउंड्री होती है, इसको पत्थर के रास्ते, पत्थर से बना दिया जाता है, और इसकी मजबूती के लिए इसके ऊपर में ये टहनियाँ रख दी जाती हैं, और ये भी एक रास्ता होता है,
कच्चे रास्ते से क्या है, कोई भी जानवर या फालतू जंगली जानवर होते हैं वो अंदर जाके कोई को नुकसान नहीं कर पाते। हालांकि अब तो बहुत बंजर हो चुका है, लोगों ने प्लान कर दिया। और एक घिंगारू है, जो घिंगारू इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जो मेरे गांव के लोग हैं या अपने पहाड़ के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इसकी बहुत चीज़ें बनती हैं। अरे घिंगारू ये बिल्कुल बाउंड्री फेंसिंग का काम करता है अपने पहाड़ों में। ये कांटेदार वृक्ष पूरा फेंसिंग का काम करते हैं, जबकि ये फेंसिंग बनी हुई है साथ साथ ही। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि भैया आजकल गर्मी के दिन हैं और लोग वह क्या करते रहते हैं, आग डाल देते हैं। तो इस तरीके का हो जाता है आग डालने से, जो ये झाड़ी झक्कड़ पेड़ होते हैं पूरे मतलब जलने लग जाते हैं। तो ये जब बरसात होगी, जब ये अपना जून जुलाई जाएगा उसके बाद इसमें थोड़ी सी अंकुर आने लगेगा, है ना। तो ये होता है, तो ये जलाना जुलूना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से कहीं पक्षियों के घोल होते हैं, पक्षियों के बच्चे दिए होते हैं, कहीं जानवर होते हैं, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलते रहता है, तो उससे क्या है उन लोगों को नुकसान हो जाता है। ये समझना चाहिए हमारे वहाँ के लोगों को। और ये तो मैं ग्वेट की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ग्वेट यानी कि इन द सेंस यू कैन से ऑन द वे, आप हिंदी भाषा में कहते हैं कि एक रास्ता है, उस रास्ते का मतलब इन कुमाऊनी लैंग्वेज एवरीबडी सेइंग द ग्वेट, ठीक है, ग्वेट बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको रास्ता बोलते हैं। तो ये मान के चलिए पगडंडी जिसको आप बोलते हैं, ये चीज़ है। एक यहाँ पे काफ़ी सारे हिसालू और किरमोड़ हैं वो जल चुके हैं अभी, तो ये ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बहुत नुकसान होता है। अब तो हमारे जंगलों में, ये तो ग्वेट की बात कर रहा था, लेकिन जंगलों में क्या होता है, जो चीड़ के वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की जो पत्तियां वो गिरते हैं उसको पिरूल बोला जाता है, और उस पिरूल का जो है आग लगा देते हैं लोग, तो उस आग से भी बहुत नुकसान होता है और पूरे जंगल को नुकसान हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अब पिरूल का एक गैस बनाई जा रही है, जो जयपुर में बनेगी, पिरूल का गैस बनेगा, ठीक है। वो गैस जयपुर के विद्यार्थियों ने उसका अध्ययन किया है और इसकी गैस बनाई जाएगी, तो ये इस पर भी रोजगार के एक साधन सरकार को जल्दी करना चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं, चलिए आगे आइए और दिखाते हैं आपको क्या क्या दिखता है। एक नई चीज मैं आ ही रहा था तो आते आते एक चीज और मिल गई पहाड़ की, और नई चीज ये भी आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे पहाड़ों में लोकल घर होते हैं, उन लोकल घरों की लिपाई के लिए हम लोग क्या मिट्टी ले जाते हैं बहुत सारे लोग। ये पियर अच्छी मिट्टी होती है, गेरू का जैसा कलर इससे निकलता है, और इसको खोदने के बाद, इस मिट्टी को खोदने के बाद कुदाल से यहाँ से मिट्टी निकालकर हम घरों में लिपाई करते हैं और घर ऐसे चमकते हैं टकाटक। तो ये एक ही जगह से ले जाया जाता है पूरे गाँव में लगभग, तो ये छोटे छोटे जो मिट्टी ले जाने वाले लोग हैं उन्होंने कर रखा है। ये देखिएगा इस तरफ भी आप देखिएगा, इसके बाद इस तरफ देखिएगा, ये मिट्टी ले जाने के लिए है, ठीक है ना। तो आइए और क्या दिखता है आगे को दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा चलते चलते, बहुत इंटरेस्टेड थी ये भैया। अपने पितरों की और माता पिता सबकी तो सेवा करनी चाहिए, आप भी करना, ठीक है। ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये मुझे अपने दादाजी और पापा की याद दिलाते हैं, क्योंकि ये पौधे उन्होंने लगाए थे और ये हमारी वही फेंसिंग वाली बाउंड्री है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, चलिए चलते हैं रोड में। दोस्तों ये है मेरा घर के नज़दीक का बहुत ही प्यारा सा व्यू, और ये रोड है, इसी रोड में मैं अपनी डेली की वॉकिंग करता हूँ अपने जोजो और सेरू के साथ ही। तो दोस्तों अब क्या करें, फिर इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे और नए वीडियो की शुरुआत करेंगे कल। तब तक कल आप स्वस्थ रहे, मस्त रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो अपने बच्चों को ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लवली।